तो गिर गया। चल घर चल। ये हाल किसने किया है रजत का? मम्मी ये खेलते वक्त गिर गया था। मुझे पता है, तूने इसे जानबूझकर गिराया है। नहीं मम्मी, मैंने नहीं गिराया इसे जानबूझकर। झूठ बोल रही है मुझसे? मुझे पता है तूने इसे जानबूझकर गिराया है, बता मुझे। अरे नहीं मम्मी, मैंने नहीं गिराया इसे। झूठ बोलना नहीं छोड़ेगी तू? तू भी तेरी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा रहता। अरे अरे ये आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैं तो घर पर प्रतिज्ञा को काम लगा कर आई हूँ, कहीं इनको पता ना चल जाए। अरे गीता, आज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे अब क्या बोलूँ इनको, अगर ये घर चले गए और प्रतिज्ञा को काम करते देख लिया तो क्या होगा? वो क्या है ना, चीनी खत्म होने वाली थी, मैं चीनी लेने जा रही थी। चलो अब आप आ गए, आप ले आओ। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ, तुम घर चलो। अरे प्रतिज्ञा बिटिया, तुम्हारी दूसरी मम्मी तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? नहीं पापा, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करती। ख्याल रखती है ना तुम्हारा? हाँ पापा ख्याल रखती है। ये लीजिए चाय। ठीक है गीता, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है प्रतिज्ञा बिटिया। ए महारानी, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? ये कप उठा और धोकर रख दे, और इसके बाद कपड़े धोने वाले पड़े हैं वो भी धो ले। ए महारानी, वो कपड़े पड़े हैं धोने वाले, वो धो ले जाकर, मैं आराम कर रही हूँ। हाँ मम्मी अभी धोती हूँ। अरे यार, फाइल तो घर ही छूट गई। अरे गीता, कपड़े धो रही है क्या? अरे गीता, मेरी वो फाइल। अरे पापा, तुम कपड़े क्यों धो रही हो? पापा वो मम्मी कराती है मुझसे काम। अच्छा, मेरे पीछे से काम करवाती है तुमसे? कहाँ तुम्हारी मम्मी? अरे आप, शर्म नहीं आती तुम्हें? वाह गीता, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता था, पर तुम तो बेटी है ये अपनी। मैंने तुमसे इसकी देखभाल और परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी, और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम खुद बेटी होकर तुम्हें शर्म नहीं आई एक बेटी पर जुल्म करते हुए? कैसी माँ हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंखों के सामने पट्टी बंद गई थी। मैं इसे सौतेली बेटी मानती थी, मैं आज से इसे अपनी बेटी समझूंगी।
हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।